फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं कुछ खास करने जा रही हूँ, कुछ खास। मैंने सोचा मेरा चेहरा पूरा डार्क डार्क हो गया है, देख सकते हो आप लोग। क्या होता है ना, पिंपल्स निकल गया था, तो उसका उसका थोड़ा थोड़ा दाग है। दाग तो जाएगा नहीं, मुझे पता है, दाग इतना जल्दी जाता नहीं है। यहाँ पे भी देखिए हो गया था पिंपल्स, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है ना, तो गर्मी के दिन में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा चेहरा वायली है, तो गर्मी के दिन में थोड़ा जैसे चिपचिपा चिपचिपापन रहता है चेहरे पे। और मेरे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप लोग, इधर साइड में देखिए हेयर है, और हल्का लिप्स पे भी हेयर है, और हल्का हल्का माथे पे भी है। तो आज मैं इसका जो है उपाय करने जा रही हूँ, घरेलू उपाय। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग से भी शेयर करें, तो इसलिए आप लोग से भी मैं शेयर कर रही हूँ कि ये जो जो छोटा छोटा जो हेयर है, और चेहरे में जो डार्क डार्क है, थोड़ा से मतलब होता है ना, डार्क भी कम हो जाएगा, और चेहरे की जो गंदगी होगी, जो धूल मिट्टी हमारे चेहरे पे दिन भर का जमा होता है, वो फाइनली निकालने का उपाय करने जा रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए, आप लोग को मैं दिखाती हूँ मैं किस तरीके से घरेलू उपाय, मतलब घरेलू उपाय से मैं चेहरे का क्लीन करती हूँ, और जो हेयर है उसको मतलब रिन्यू करती हूँ। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं कि मैं जाऊँ पार्लर में अपना मतलब पैसा बर्बाद करूँ, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे बर्बाद भी नहीं करना है। जो भी है घर पे मैं खुद अपने मतलब एक होता है ना, फालतू जगह पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अपना घरेलू उपाय करो, वो सबसे बेस्ट है, और हमारे चेहरे पे किसी प्रकार का हानिकारक भी नहीं होता, जैसे होता है रिएक्शन नहीं करता है। तो घरेलू उपाय मेरे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो आप लोग अपना राय दीजिएगा, कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आप लोग को मैं कैसे क्या करती हूँ। मैंने आटा लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ये आटा है, मैदा नहीं है, मैं आटा ली हूँ, 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने आटा लिया है। ये मेरे पास हनी है, ये हनी मेरा प्योर हनी है, मतलब इसका ना मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ हनी है मेरे पास था, तो मैं इसको ऐड करूंगी। जिसके पास नहीं रहेगा वो मतलब मार्केट का हनी यूज कर सकता है। मैं अभी इसको 1 चम्मच लेती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं 1 चम्मच इसको हनी को ऐड कर रही है। मेरे पास प्योर हनी, घर का हनी रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, वो हेयर मतलब हेयर निकालने में मदद करता है, जो हमारे चेहरे पर रहता है हेयर छोटे छोटे, वो निकालने में मदद करती है। देख सकते हैं, मैंने 1 चम्मच चीनी लिया है। चीनी जो होता है मेरे हमारे चेहरे पे जो गंदगी बैठी रहती है वो खींच के बाहर निकलती है और डार्क सर्कल को कम करती है। तो आपके पास है तो आप चीनी 1 चम्मच ले सकते हैं, और इसमें लेमन, अगर आपके पास नींबू है तो आप उसको आधा पीस दे सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। लोग देख सकते हैं मैं हल्का पानी ऐड कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, बस हल्का, और हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा है हमारे चेहरे की गंदगी और हेयर रिमूव करने के लिए। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा घर पे, और रिजल्ट आपको समझ में आएगा। अभी मैं आप लोग को लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी चेहरे पे कैसा है, क्योंकि मैं सोच रही थी यूज करने के लिए, तो मुझे ख्याल आया कि ना आप लोग से भी ये चीज शेयर करना चाहिए। मैं पहले अपना मतलब बहुत ख्याल रखती थी, जब से मेरा शिवांश हुआ है तब से मैं ज्यादा चेहरे पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इसी वजह से मेरा चेहरा जो है वायली हो गया है। तो होता है जब एक लड़की ना माँ बनती है तो बहुत सारी जिम्मेदारी होता है, तो अपने ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाती है, तो आई थिंक मैं भी वही नहीं कर पाई। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, ये देखिए अच्छे से मिला लेना है आपको, चीनी एकदम मतलब मिल जाए, आप देख सकते हो। इसमें मतलब नींबू रहेगा, लेमन, तो उसका रस डालने से और भी बेटर होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे पास नहीं है इस समय, इसके रस लेकर आते थे लेकिन खत्म हो गया है। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बट बेसन नहीं, आटा, आटा ज़्यादा मतलब वो रहता है कंदी पानी, तो आटा ऐड किया हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं चीनी अच्छे से मतलब मिल गया है। अब चलते हैं अपना फेसियल करने। आप लोग को लगाना है अपने फिंगर के सहायता से, अच्छे तरीके से आप लोग चेहरे पर लगाएंगे और काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, तरीके से आप लोग यूज कर रहा हूँ।
चीनी रहती है हमारे चेहरे पे, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ा मोटा कर रही हूँ मैं, मोटा इसलिए कर रही हूँ कि मेरा वाइट चेहरा जो वाइट होता है ना चेहरे पे जमा हुआ वो निकल जाएगा। अच्छे से आपको लगा देना है, तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैं तो भूल बन गई हूँ। आप लोग डर गए ना? डर के मत, मैं भी इंसान हूँ, अभी अभी कुछ देर के लिए मैं भूत बनी हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं इस तरीके से आप लोग को लगा लेना है जब तक ये सूख ना जाए, अभी देख रहे पूरा गीला गीला, जब तक ये सूख ना जाए तब तक आप लोग को क्या करना है, ब्रेक करना है, मतलब वेट करना है। तब तक मैं वेट करती हूँ, अभी हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, मतलब धूप का नामो निशान नहीं है क्योंकि रात भर से बारिश बारिश हो रहा है, तो धूप का नामो निशान है, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट कर लेती हूँ 20 मिनट तक। फाइनली फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, मैं आ गई हूँ, देख सकते हो काफी सूख चुका है, लेकिन ये लसापन रहेगा ही क्योंकि इसमें चीनी ऐड है और शहद ऐड है, इस वजह से लसापन रहेगा। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, मैं कैसे इसको अपने चेहरे से रिमूव करती हूँ। ओके थोड़ा सा पानी लगा लेना है, और इस तरीके से पानी लगा लेना तो आराम से सब निकल जाएगा, क्योंकि इसमें चीनी ऐड था इसको ये प्लस से काम से अच्छे से निकाल देना। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं चेहरे पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और काफ़ी अच्छा निखार आया है, यकीन मानिए आप लोग दोस्तों यूज करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, और मुझे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल रहा है। और बाकी आप लोग बताइएगा कि ये टिप्स कैसा लगा, और जो कमेंट करिएगा, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना ढेर सारा प्यार देंगे। ओके बाय बाय।